हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, चैप्टर 5। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लूँ। चैप्टर 5 जिसका नाम है पुष्प पादपों की आकृति। मतलब कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं अपन, जो भी पुष्प के पार्ट हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मूल हो, तना हो, पत्ती हो, पुष्पक्रम हो, पुष्प हो, फूल हो, फल हो, बीज हो, अपन ये सारे पढ़ने वाले हैं। अगर इनके भी कोई टाइप्स है ना तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मूल पढ़ेंगे। देखो मूल कितनी तरह की होती है। देखो मूल, देखो NCERT के अकॉर्डिंग मूल 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ये लो साहब, एक का नाम रखा है इन्होंने मुसला मूल, एक का नाम रखा है इन्होंने जकड़ा, फाइबरस भी बोलते हैं बेटा, और एक को बोलते हैं अपस्थानिक। ये 3 टर्म क्लियर है क्या? ये 3 टर्म क्लियर है। पहली है मुसला, इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। दूसरी है जकड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं फाइबरस रूट। तीसरी बोलते हैं अपस्थानिक। मुसला मूल कैसी होती है, जकड़ा मूल कैसी होती है, और अपस्थानिक कैसी होती है, मैं बताना चाह रही हूँ। मुसला मूल ये देखो, ये लंबी प्राथमिक मूल, प्राथमिक मूल। इससे निकलती है द्वितीयक मूल, और इससे निकलती है तृतीयक मूल। समझ रहे हो? मतलब ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है। लेकिन मेन जो है, मेन जो रूट है वो यही है प्राथमिक। इसी से ही निकलेंगे जो भी निकलेंगे, इसी से ही निकलेंगे जो भी निकलेंगे, इसी से ही निकलेंगे। सब बात है बेटा, सब बात है। जकड़ा मूल कैसे होती है? जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ऐसे गुच्छे गुच्छे रूप में, ये गुच्छा सा रहता है। ये देखो फाइब्रस, बहुत सारे फाइब्रस, रेशे टाइप, समझ रहे हो, रेशे टाइप। अपस्थानिक कैसी होती है? अपस्थानिक क्या होती है? रूट को छोड़ के प्लांट के किसी भी भाग से निकल सकती है, प्लांट के किसी भाग से निकल सकती है। लो साहब, किसी भाग से निकल सकती है। मुसला मूल का एग्जांपल दूं तो सारे डाइकोट प्लांट, जो डाइकोट प्लांट्स हैं वो इसके उदाहरण है। फाइब्रस के हैं मोनोकोट, फाइब्रस के हैं मोनोकोट। और अपने अपस्थानी के हैं, अपने ले लो आप गन्ना, क्या कहते हो? हो गया इतना टाइम क्लियर हो गया? ये लो साहब, आपकी मूल भी कंप्लीट करवा दी मैंने। आपकी गन्ना नहीं, गन्ना नहीं, गन्ना नहीं, गन्ना नहीं, बरगद, गन्ना नहीं, बरगद। देखा है ना बरगद का पेड़ होता है, ठीक है? तो नीचे जड़ जो है वो है, लेकिन क्या होती है, इसकी ब्रांचों से और भी जड़ निकलने जाती है जो इसको क्या करती है, सपोर्ट देती है। याद आ रहा है? याद आ गया। देखो बरगद है इसका एग्जाम्पल। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये मूल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, खुश हो जाओ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मूल का और भी अंदर डेप्थ में, मूल क्षेत्र। मूल क्षेत्र में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मूल को पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और पढ़ेंगे मैचुरेशन क्षेत्र। आ जाओ नीचे जाओ। देखो अरे वाह वाह, ये देखो मुसला मूल का उदाहरण देख लो कैसी दिखती है। देख लो ये प्राथमिक वाली मूल, देखो मुख्य मूल, देखो ये देखो कितनी लंबी है। फाइब्रस देख लो कैसे गुच्छे रूप में है। और ये देखो बेटा अपस्थानिक, देखो ये तना जा रहा है, ये तना जा रहा है, तने से ये निकल रही है। ये देखो यहाँ पे देखो कितनी सही निकल रही है, देख रहे हो, देख रहे हो ना। नेक्स्ट मूल शीर्ष के क्षेत्र, आ जाओ वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले मूल को पढ़ना है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सक्रियता वाला क्षेत्र पढ़ना है, उसके बाद में दीर्घीकरण क्षेत्र पढ़ना है, और उसके बाद में परिपक्वन क्षेत्र पढ़ना है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। मूल को क्या है, कहाँ मिलेगी? सॉइल में, सॉइल में मिलेगी। क्या ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के विरुद्ध जा रही है कि ग्रेविटी को एकदम पूरा पूरा सपोर्ट करती हुई जा रही है, कि जैसे जहाँ पे नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है, या अपोजिट में? भाई उसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन, सेम टूवर्ड्स ग्रेविटी। समझ गए मेरे बच्चों? जैसे ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है वैसे ही मूल को भी नीचे की ओर जा रही है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन बताओ ज़रा मुझे। इसका फंक्शन ये है कि ये सॉइल में से वाटर और खनिज तत्वों का अवशोषण करती है, तत्वों का अवशोषण करती है। क्या ये बात इतनी समझ में आई? क्या ये बात इतनी समझ में आई?
एकदम डिस्टल पार्ट है, एकदम दूरस्थ पार्ट है भाई, ज़मीन से कितना दूर है ये, ज़मीन से एकदम दूरस्थ पार्ट है, और ये ज़मीन के पास में है समीपस्थ पार्ट। नेक्स्ट दूसरे पे आओ, मेरिस्टेम। मैंने मेरिस्टेम के बारे में क्या बताया है, मैंने मेरिस्टेम के बारे में बताया कि ये निरंतर निरंतर डिवाइड करते हैं, डिवाइड को हिंदी में बोलते हैं विभाजन, ये निरंतर डिवाइड करते हैं एक से दो, ये देखो, ये देखो साहब, इस तरह से डिवाइड करते ही जाएंगे, मतलब क्या करेगा ये, निरंतर डिवाइड ही करेगा, निरंतर विभाजन ही करता जाएगा, और ये पूरी इलॉन्गेटेड करता जाएगा, जितना ग्राउंड से अपवर्ड है वो जो अपना तना बढ़ता जाता है ना ऊपर तक एकदम टॉप तक, वैसे ही ग्राउंड से नीचे की ओर भी, नीचे की ओर भी वृद्धि होती है मूलों की, मूल की भी वैसे जितना ऊंचा धरती से ऊपर है ना प्लांट उतना ही नीचा धरती से नीचे है प्लांट। ऊपर वाले का क्रेडिट दोगे आप सैम को, सैम को देखो इधर लिख लूँ, सैम शूट एपिकल मेरिस्टेम, हिंदी में बोलते हैं प्ररो सीशस विभिजोतक। नीचे का क्रेडिट दोगे आप रैम को, रूट एपिकल मेरिस्टेम को, मतलब कि मूल शीर्षस्थ विभिजोतक को। इसका काम क्लियर हो गया। इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर आता है दीर्घीकरण, ये इलोंगेशन है बेटा, क्या काम करेगा, कहाँ मिलेगा, सॉइल में, सॉइल में मिलेगा, क्या टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाएगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन, कि ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाएगा बिल्कुल सेम डायरेक्शन, मैं जो सेम डायरेक्शन लिख रही हूँ वो किसके लिख रही हूँ, ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी के लिए, ठीक है। ये लंबाई बढ़ाएगा, इसका फंक्शन क्या है, लंबाई बढ़ाने का, साफ बात। अब आता है परिपक्वन क्षेत्र, इधर देखो, इधर देखो, अब आता है परिपक्वन मैच्योरिज्म, मैच्योरेशन वाला पार्ट कहाँ मिलेगा, ये भी सॉइल में ही मिलेगा, ये भी सॉइल में ही मिलेगा, और आपको पता है ये क्या है, ये मूल है बेटा, क्या काम करेगी, वही जल व खनिज तत्वों का अवशोषण, तत्वों का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मैच्योरेशन रीजन में क्या मूल रोम पाए जाते हैं, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रीजन में मूल रोम पाए जाते हैं, मूल गोप नहीं, मूल रोम पाए जाते हैं, उस वक्त आपको आना चाहिए जोन ऑफ मैच्योरेशन, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं मूल रोम। मूल रोम क्या होता है बेटा, मूल रोम क्या होता है, रूट हेयर्स क्या होती है, कहाँ होती है, सॉइल में होएगी, सॉइल में होएगी, सॉइल में क्या करेगी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी करेगी कि ग्रो, ना ऐसा नहीं बोल सकते कि आप टूवर्ड्स द ग्रेविटी ही मूव करेगी, जिस तरफ, जिस तरफ जल या खनिज तत्व मिलेगा ना उसी तरफ वृद्धि करेगी, जिस तरफ जल या खनिज तत्व मिलेगा उसी तरफ वृद्धि करेगी, अगर इस साइड डायरेक्शन मिल रहा है तो यहाँ वृद्धि करेगी, नीचे मिल रहा है तो नीचे करेगी, और नीचे मिल रहा है तो और नीचे करेगी, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। खाली ये ठप्पा नहीं मार सकते कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी कर रही है क्या मूव, ना कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी, जहाँ पे इसको जल मिलेगा ना उसी तरफ ही बढ़ती जाएगी, जिस तरफ जल मिलता जाएगा उसी तरफ बढ़ती जाएगी, यहाँ पे क्या ये मैच्योर मूल रोम होगी, और यहाँ पे क्या नवजात होगी, बच्ची, बच्ची मूल। भाई अभी परिपक्वन जो क्षेत्र है वो इतना है मानो, तो इसकी जो मूल रोम है वो इतनी है, फिर इन फ्यूचर परिपक्वन क्षेत्र भी तो डेवलप करेगा ना, और लंबा होगा तो और लो, क्या कहते हो, और ही और बड़ा होगा, और मूल रोम रो। तो ये बात क्लियर हो गई, मूल शीर्ष का क्षेत्र क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, जो इस पैराग्राफ में लिखा था मैंने उससे कहीं गुना ज़्यादा ही आपको बता दिया है। चलो धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मूल के रूपांतरण, कि मूल किन किस तरह से मॉडिफाइड करती है अपने आप को बेटा, परिस्थिति के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार किस तरह से कर रही है। देखो तीन तरीके से मॉडिफाइड कर रही है अपने आप को, प्रॉप रूट, अवस्था मूल और श्वसन मूल।
क्या मैं समझा दूँ, क्या मैं समझा दूँ आपको इवन बाय वन? आप के एनसीईआरटी में समझा के नहीं रखा, लेकिन मैं समझा देती हूँ आपको। प्रॉप रूट, इसका एग्जाम्पल ये बरगद, देख लो, देखो देखो प्रॉप रूट क्या होती है। इसमें प्रॉप रूट है मतलब ये सहारा देती है, सपोर्ट, सपोर्टा, सपोर्ट। ये देखो एक तो तन, ये ब्रांचेस है ठीक है। अब इतना विशालकाय हो जाता है ये पेड़, इतना विशालकाय हो जाता है कि इसको ठहराने में भी कि हाँ भाई ठीक है टिका रहे, आंधी हो तूफान हो कुछ भी आए लेकिन टिका रहे। तो क्या करती है, इसकी जो तने से है ना जड़ें निकल आती है, तने से जड़ निकल आती है और इसको सपोर्ट देती है बेटा, और इसको सपोर्ट देती है। जिसने भी बरगद का पेड़ देखा है उसको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अवस्था मूल कैसे होती है, देखो इधर देखो, ये गन्ने का पेड़ है, ये अपने इंटर नोट्स थे, आपने देखा होगा यहाँ से जड़ें निकलती है बेटा। ये भी क्यों निकलती है, ये भी सहारा देने के लिए निकलती है इस तरह से। ये क्या बनाया मैंने, शुगर केन बनाया, क्या बनाया मैंने, गन्ना। आई बात समझ में, दूसरा अवस्तंभ मूल समझ में आ गई कि कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से। श्वसन मूल क्या होती है, कोई कलकत्ता में रहता है, कलकत्ता में रहता है भाई, एक सुंदर बगान करके जगह है मेरे ख्याल से, वहाँ पे इस टाइप की मूलों वाला प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है राइजोफोरा। मैंग्रोव, क्योंकि दलदली एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, दलदली उस वन में दलदली एरिया ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है, ये जो प्लांट है ना ये ऊपर ग्रो कर रहा है, ये ऊपर ग्रो कर तो रहा है बेटा, पर जो इसकी जड़ें हैं ना वो पानी में सांस नहीं ले पाती, क्योंकि मिट्टी के कण भी हैं बहुत सारी, एकदम पानी कम है मिट्टी ज़्यादा है, और ये पानी का ही पौधा है। तो इसकी जड़ें क्या करती है, ऊपर की ओर उठ जाती हैं इस तरह से, लवणीय है, जल लवणीय होता है क्योंकि दरिया का पानी है, वो लवणीय होता है। तो जड़ क्या है, ऊपर की ओर ग्रो कर जाती है ऐसे। ये देखो क्यों ग्रो हुई, ये क्यों आई ऊपर, ताकि सांस ले। क्या मैं दिखा दूँ ये डायग्राम, होना तो चाहिए। अरे वाह, ये लो साहब, ये लो, ये देखो ये जड़ें ऊपर आ रही है ना, ये देखो, क्योंकि नीचे जो मीडियम है ना वो लवणीय है, इस वजह से उनको ये सांस नहीं आ पा रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो दैट्स वाई वो लोग क्या है, ऊपर कर लेते हैं अपनी जड़ों को। देखो कुछ जो जड़ें हैं ना, कुछ जो जड़ें हैं वो स्टोरेज के भी काम आती है, स्टोरेज। इसका उदाहरण है बेटा शलजम, बेटा ये याद कर लो एनसीईआरटी। देखो बहुत सारी रेफरेंस बुक पे जाने से अच्छा है कि एटलीस्ट आप एक बुक, देखो बेटा एक एग्जांपल देती हूँ, एक एक बात बोलती हूँ, 2 मिनट लूँगी। कि दीवार है, ये आपकी वॉल है, आपको यहाँ पे कील ठोकनी है, आपको यहाँ पे कील ठोकनी है। आप क्या करोगे, एक लोकेशन सेट करोगे, यहाँ पे कील ठोकनी है, और वहीं से ही आप हमर से हथौड़े से मारे जाओगे, चोट करे जाओगे, हिट करे जाओगे ताकि वो ठुक जाए। या फिर आप ये करोगे कि दीवार है, पहले यहाँ ठोक के देखी, एक हिट मारा, फिर यहाँ ले आए, फिर ठोकी, फिर एक हिट मारा, फिर यहाँ हिट मारा, तो क्या लग रहा है आपको, ये कील चल जाएगी क्या? एक ही जगह पे बारंबार वार करने से वो कील अंदर जाएगी, या फिर डिफरेंट जगह पे एक एक बार वार करने से जाएगी? तो बेटा 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ दो। अब कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो उनकी बात है, बट ये भी पढ़ लूँ, ये वाली बुक भी पढ़ लूँ, ये वाली बुक भी पढ़ लूँ, ये वाली बुक भी पढ़ लूँ, ये करते के चक्कर में जो मेन है आपकी, जो मेन एनसीईआरटी है वो छूट ना जाए बेटा, वो ना छूट जाए। बहुत लोग बोलेंगे अरे ये पढ़ लेते हैं, अरे तूने इसमें से पढ़ी, अरे यार इसमें से, अरे इसमें से ये वाला, अरे ये वाली बुक पढ़ी, ये वाली बहुत बढ़िया है। ना ना, अपने को एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ आएगा तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसी में से ही आएगा घुमा के, उसी में से ही आएगा घुमा के, ठीक है ना। आधा इस चैप्टर का मिक्स कर देंगे क्वेश्चन, आधा इस चैप्टर का मिक्स कर देंगे और वो बना देंगे। तो एक ही किताब को 10 बार पढ़ना मच 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 मोर इम्प्रेसिव देन कि आप 10 किताबों को एक एक बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एक किताब को 10 बार पढ़ दो।
हाँ आपने 10 बार पढ़ दी, आपकी टिप्स पे आ गई, एकदम फिंगर एकदम टिप्स पे है, फिर आप प्रेफर कर सकते हो हाँ कि चलो एक बैकअप रखते हैं, एक बुक जो भी बढ़िया लगे ये और पढ़ देते हैं। एक बुक को 10 बार पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे बढ़िया गाइड कुछ मिल ही नहीं सकता। अब एम सी यू के ऐसे मत पूछना कौन सी बुक लें कौन सी बुक लें कौन सी बुक लें, एम सी क्यू नहीं पी वाई क्यूज, ये पी वाई क्यूज देखिए आप, गज़ब की गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं किस तरह से निकल रहे हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि एन सी आर टी से कितना निकला है, मतलब एक बुक को जब 10 बार पढ़ दोगे आप तो आप में इतनी बुद्धि तो आ ही जाएगी कि आपको पकड़ में आ जाएगा कि अरे क्वेश्चन एन सी आर टी का है और ये एन सी आर टी से बाहर है, और जो एन सी आर टी के बाहर निकले उसको अंडरलाइन करो और लिख लो। बेटा स्मार्ट लोग ऐसी तैयारी करते हैं। अब स्टोरेज और फूड पे आ जाते हैं, शलजम गाजर शकरकंद ये मूल का रूपांतरित रूप है जो स्टोरेज करता है फूड का, और ये राइजोफोरा बनाई दिया मैंने, ये जड़े ऊपर क्यों जाती क्योंकि लवणीय है ये जगह, लवण है यहाँ पे, दरिया की जगह है ना सी, तो ये हो गया आपका मूल का काम। अब आता है तने का बेटा, तना पढ़ते हैं आप, तने के बारे में आप क्या जानते हो, जहाँ से फूल पत्ती फूल ये सब निकले होते हैं, शाखाएं पत्तियाँ फूल फल इत्यादि निकले हुए रहते हैं, कास्ट ये भी होती है जो भूरी होती है और जब ये नवजात होती है तब हरी हरी रंग की होती है, क्या इसके पास त्वचीय रंध पाए जाते हैं तने पे, बिल्कुल पाए जाते हैं बेटा त्वचीय रंध पाए जाते हैं, बिल्कुल त्वचीय रंध पाए जाते हैं। मुझे तो ये बताओ जो अपन ने मूल पढ़ा वो अपन ने उस पर सारी बात यही पढ़ी कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी चलता है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रही है बेटा, ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है कि मैं बता रही हूँ आपको। तन्ना क्या करता है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी ना अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट अगेंस्ट दी, बेटा मुझे लगता है मैं इतनी सिंपल इंग्लिश लिख रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और मैं एक दिन आपको एडवांस कर दूँगी हिंदी मीडियम वालों को। अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट करेगा मतलब कि ये ज़मीन है यहाँ पे जड़े तो क्या नीचे की ओर ग्रोथ करती है, तन्ना तो देखो बेटा ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है, ये लो साहब अगेंस्ट द ग्रेविटी, यहाँ से ये ब्रांच निकालेगा, ब्रांच से पत्तियाँ निकलेगी, फूल निकलेंगे, फल निकलेगा, आलो साहब। अब डायरेक्ट इन्होंने दे दिया है कि तने का रूपांतरण, अब बेटा तने का रूपांतरण इसमें इतने क्वेश्चन निकलते हैं मैं क्या बताऊँ, दबा के क्वेश्चन निकलेंगे, दबा के क्वेश्चन, मतलब मूल से जितने नहीं निकलते ना उतने तो तने से निकाल देते हैं ये क्वेश्चन। देखो अब मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ एक एक चीज़, अब ध्यान रखना, तना मॉडिफाइड होके क्या क्या बना रहा है, मैं लिस्ट बना रही हूँ, तना मॉडिफाइड होके प्रतान बना रहा है, प्रतान क्या होता है ये देखो, ये वर्ड प्रतान, ये जो होता है ना इस तरह से होता है, देखो तना है इस तरह से निकला है, समझ भाई इस तरह से निकल रहा है, राइट गाइस। उदाहरण क्या लिखोगे, घिया खीरा तरबूज, अंगूर की लता। नेक्स्ट, कुछ तने चपटे होते हैं और ये जो पाया जाएगा ना बेटा, ये चपटे तने हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, जो मरुद्भिद पादप है ना, मरुद्भिद इंग्लिश में कहा जाए तो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स, इनमें कैक्टस दिखाई, कैक्टस इस तरह से पत्तियाँ देखो कितनी फूली फूली रहती है, चपटी चपटी कितनी फूली फूली रहती है और नुकीले कांटों का निर्माण कर लेती हैं ताकि क्या हो, ये डिफेंस है बेटा, डिफेंस है इनका, ये डिफेंस सिस्टम है ताकि कोई खा ना जाए, क्योंकि बेटा बेचारे पानी स्टोरेज करते हैं अपनी जान में इतना सारा, तुसी ना खा सकते इसको, फिर तुसी नहीं खा सकते। ओपेंशिया कैक्टस और यूफोरबिया ये मरुद्भिद के प्लांट है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्होंने एग्जांपल दे दिए तो इनको कोई जोर आएगा क्या पूछने में। अब जिसको कैक्टस पता है वो तो कर आएगा कि हाँ मरुद्भिद पादप है, जिसको ओपेंशिया पता है कि हाँ मरुद्भिद पादप है वो कुछ ना कुछ लिखाएगा, यूफोरबिया भी मरुद्भिद पादप है, आंकड़े का पेड़ वो भी मरुद्भिद ही है, समझ रहे बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन देखो, स्ट्रॉबेरी और घास, देखो इसमें नाम नहीं लिख रखा इन लोगों ने, कितने होशियार है, इन्होंने नाम नहीं लिख रखा कि ये जो संरचना है वो किस की डेफिनेशन बता रहे हैं, इन्होंने डायरेक्ट एग्जांपल लिख दिया, अब समझ रहे हैं उसको समझो।
घास और स्ट्रॉबेरी, इसमें तना किस तरह से वृद्धि करता है? जैसे ये तना निकल गया, ये तना निकल गया, फिर यहाँ से ही एक और ये निकला, जमीन में गया, फिर वृद्धि करी, यहाँ से एक और निकला, जमीन में गया, वृद्धि करी, यहाँ से एक और निकला, जमीन में गया, यहाँ से वृद्धि करी। देख रहे हो, इस चीज़ को बेटा बोलते हैं स्टॉलन वाली, हिंदी में नहीं पता बट इंग्लिश में स्टॉलन बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में तो नाम भी नहीं लिख रखा है इन लोगों ने। आई बात समझ में बच्चों? आई बात, मेरी बात समझ में? इसका एग्जांपल पुदीना भी है और चमेली भी है। ये मैंने किया, चमेली वाला किया है मैंने, ये जैस्मिन वाला मैंने देखा है। इसी तरह से बगानी होती है इसकी, इसी तरीके से बगानी होती है, ठीक है गाइस? जो घास है ना वो इसका एग्जांपल नहीं है, लेकिन घास से तो कैसे वृद्धि होती है ऐसे? मतलब स्ट्रॉबेरी इसका एग्जांपल है, पुदीना इसका एग्जांपल है, चमेली भी इसका एग्जांपल है, लेकिन घास ऐसे करती है। देखो देखो ध्यान से देखो, ऐसे निकल रही है, फिर यहाँ से वो लिंक बनाएगी अपना, फिर ऐसे कर रही है, फिर ये लिंक बनाएगी। देखना कभी घास को, देखना इस तरह से कनेक्ट रखती है, इस तरह से कनेक्ट रखती है अपने आप को, ठीक है बेटा? फिर आता है पिस्टिया और आइकॉर्निया, ये जलीय पादप है बेटा जी, जलीय पादप है। ये कैसे करते हैं? इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना बेटा, पत्तियाँ ये बहुत ही फूली फूली हो जाती हैं। ये पत्तियाँ नहीं है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में मॉडिफाइड स्टेम है और ये नीचे जड़े हैं। कौन कौन एग्जांपल पिस्टिया? इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है पिस्टिया और आइकॉर्निया, ये जलीय पादप है। और फिर आते हैं क्राइसेंथिमम, गुलदाउदी, गुलदाउदी तो देखो कैसे ग्रो करता है, ये भी मैंने कर रखा है गुलदाउदी से। ये पेड़ है, ये बेटा क्या है, इसकी जो तना है ना ये ऐसे निकलेगा, ये लो साहब ऐसे गया और अब ग्रो करेगा। मतलब बेचारा ये तो क्या है, ज़मीन के ऊपर चल रहा है, ये बेटी का ज़मीन के नीचे चल रहा है। फिर यहाँ से स्टेम का एक और पार्ट, ये देखो बताने देगा छुपा रुस्तम है कि देखो मैं नीचे से अलग अलग नहीं हूँ। बाहर से तो क्या लगेगा, हाँ बेटा ये प्लांट वन है, प्लांट टू है, प्लांट थ्री है, बट रियलिटी तो एक ही है कि एक ही प्लांट है। ये लो ऐसे होती है इसकी खेती, ये इस तरह से ये जो निकला है ना ये ही बनाएगा इसको। आई बात समझ में? ये सक्कर टाइप है, ये सक्कर टाइप है। देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं तने के रूपांतरित रूप, भाई अदरक है, अरबी है, आलू है, ये तने के रूपांतरित रूप है, तने के फूड स्टोरेज करता है, तना भाग फूड को स्टोरेज करता है। ये देखो प्रतान दिखा दिया ना, टेंडल दिखा दिया ना सबसे शुरू वाला, ये देखो कांटे, बोगेनविलिया में कांटे आ जाते हैं। तो ये आपका ख़त्म होता है यहाँ पे मूल और तना। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पत्ती से। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, और मैं पहले ही बोल दे रही हूँ ये आएगा, ये एक चीज़ आएगी कि आलू किसका रूपांतरित रूप है। उस वक्त अगर याद आ गया तो जी आ गया। इसमें बहुत भी चीज़ है, इसमें बल्ब भी टाइप आता है जिसमें वो लगता है ना अपने प्याज, मतलब तना इस तरह से बल्ब बना रहता है ज़मीन के अंदर। आपको प्याज तो देखा ही होगा, गार्लिक देखा है, गार्लिक, गार्लिक देखा है इस तरह से होता है, कलियाँ होती है उसकी गार्लिक की, और उसके बाद एक और कवरिंग होती है उसकी, फिर जड़ होती है थोड़ी सी। ये सब तने के रूपांतरित रूप, ये प्याज, ये लहसुन सब उसी के रूपांतरित रूप है, ये अदरक, आलू, अरबी, ठीक है मेरे बच्चों? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पत्ती के साथ मिलेंगे। हमने मूल कंप्लीट कर लिया और तना कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में किया है, एनसीईआरटी में भी नहीं इतना, तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। मतलब हमने मूल पढ़ लिया, खुश हो जाओ, हमने तना पढ़ लिया, खुश रहो, पत्ती पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट बाद में हम पत्ती की ओरिएंटेशन पढ़ लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइज़।